हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिसमें आना था आज हम करने वाले हैं मेरे लिए साइंस फॉर जूनियर क्लास फिफ्थ के चैप्टर फिफ्थ, फूड एंड हेल्थ। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमारी जो बॉडी है वो फूड से कनेक्टेड है। तो देखो, हमारी जो बॉडी है वो हर वक्त काम करती रहती है। जब हम सो जाते हैं तो भी हमारी जो बॉडी है वो काम करती रहती है। कुछ ऐसे पार्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि हार्ट हो गया, लंग हो गया, वो हर वक्त हमारी थ्रू आउट द लाइफ हमारी जो है वो वर्क करते रहते हैं विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, तो हमारे जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्ट ले लो, तो हार्ट वो है वो हर वक्त ब्लड पंप करता रहता है। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में वो हार्ट जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता रहता है। ऐसे ही जो हमारे लंग्स हैं वो हर वक्त वर्क करते रहते हैं, जिससे हमारा जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो चलता रहे विदाउट एनी रेस्ट। तो हम सबको पता है कि जो फूड होता है हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो एज अ फ्यूल वर्क करता है हमारी बॉडी के लिए। ठीक, जैसे कि अगर हम कभी वीक हो जाते हैं, टायर्ड फील करते हैं, तो हम फूड खा लेते हैं और हमें एनर्जाइज फील होता है। ऐसे ही जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो फूड जो होता है वो हमें क्विकली रिकवर करने में भी हेल्प करता है। तो कौन से ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारे को हेल्प करते हैं हमारी ग्रोथ में, रिपेयर होने में बॉडी के, इन सब चीज़ों में हमारे कुछ न्यूट्रिशंस हैं जो हेल्प करते हैं। तो आओ उन न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं। विटामिन्स, सबसे पहला है हमारा विटामिन्स। तो ये जो है ये हमें हेल्प करता है गुड हेल्थ मेंटेन करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए हमारी एपेटाइट को, मतलब कि ये हमारी एपेटाइट को इम्प्रूव करता है, मतलब कि हम जो खाते हैं हमारी एपेटाइट है। ठीक है, तो हम जो खाते हैं अगर उसमें विटामिन होगा तो हमारी जो एपेटाइट है वो और अच्छी होती है, इसका मतलब। ठीक, वे जो विटामिन होते हैं वो हमें डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेज से प्रोटेक्ट करते हैं। विटामिन्स भी जो होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे कि हो गया ए, आप लोग ने सुना होगा विटामिन ए, डी, बी। ठीक है, तो ये सारे विटामिन्स आप लोगों ने सुने होंगे। अब हम देखते हैं मिनरल्स। तो देखो, मिनरल्स होते हैं वो भी हमारी बॉडी के ग्रोथ की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, मिनरल्स जो होते हैं वो विटामिन के साथ ही हमारे, जैसे जो विटामिन है वो हमारी प्रोटेक्टिव फूड्स में आता है, वैसे ही मिनरल्स जो होते हैं वो भी प्रोटेक्टिव फूड्स। कैसे होते हैं, जैसे कि हमें, मतलब बेसिकली ये हमारे को मैनी डिसीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको प्रोटेक्टिव फूड्स कहते हैं। नेक्स्ट हैं, तो ये जो रिक्वायर होते हैं वेरी, मतलब लाइक अगर ये स्मॉल क्वांटिटी में भी बॉडी को मिल जाते हैं ना, तो भी वो बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी बॉडी के लिए। और हमें ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, फ्रेश फूड्स में, फ्रूट्स में मिलते हैं, वेजिटेबल्स में मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं रफेज एंड वाटर। तो ये क्लास फोर्थ में भी बच्चों ने पढ़ा होगा। देखो, रफेज जो होता है, क्या होता है, हमारी जो फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक, ये इनमें हमें रफेज मिल जाएगा। ये हमें, देखो, जितने भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, प्लांट से आते हैं। ठीक, ये जो फूड्स होते हैं ना, इनमें बहुत फाइबर होता है। जो भी हमारे को फूड होता है जो प्लांट से आता है, उसमें बहुत फाइबर होता है। ठीक, फाइबर से क्या होता है, डाइजेशन जो होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक, तो रफेज में भी बहुत होता है। रफेज बेसिकली वो फ्रूट्स ही होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं। ठीक, तो इनमें क्या होता है, यही मैंने बताया कि डाइजेशन जो है में हेल्प करता है। जैसे कि जो वाटर भी हो गया, एक हमारा रफेज के अंदर ही आता है। इससे क्या होता है, जितना आप ये कंज्यूम करते हो रफेज को, उतनी ही आपकी जो पाचन क्रिया है, मतलब जो डाइजेशन है, वो अच्छे से होती है। ठीक है, तो देखो, जैसे कि जो स्किन ऑफ फ्रूट्स है, एप्पल्स हैं, ठीक है, तो ये सारी गुआवा हो गए, ये सारे पियर्स, तो ये सारे जो है इनमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, बेनिफिट बहुत देता है हमारी बॉडी को। ठीक, इससे बॉडी पे, मतलब स्किन पे, फेस पे ग्लो आता है और साथ ही में हमारी जो डाइजेशन होता है वो अच्छे से होती है। तो यही सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि जो वाटर है हमारी, वाटर, अब हम वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी जो ऑलमोस्ट जो 70% ऑफ बॉडी है वो वाटर से बनी हुई है। ये हमें डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक, और बहुत लाइक मेजर पार्ट ऑफ द ब्लड जो है वो हमारे वाटर से बनता है। ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखता है वाटर। वाटर जो होता है ये हेल्प करता है वेस्ट रिमूव करने के लिए हमारी बॉडी में से, ऑब्वियसली, जैसे कि हमने पढ़ा। ठीक है, स्वेट और यूरिन की थ्रू जो है हमारे वाटर जो है वो वेस्ट को रिमूव करता है। तो हमें लीटर्स, तो क्या मतलब हमने इससे क्या सीखा, हमने इससे ये सीखा कि हमें लीटर्स ऑफ वाटर जो है एक दिन में पीना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे है कि आपकी जो डाइट है, ठीक है, आपकी जो डाइट है उसको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिशंस और रफेज वाटर होना चाहिए आपकी, मतलब एकदम प्रॉपर, कम नहीं होना चाहिए। ठीक है,
कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एकदम प्रॉपर उसमें होना चाहिए, एकदम प्रॉपर अमाउंट में आपकी बॉडी में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और वो प्रॉपर अमाउंट में कैसे आती है चीज़ें, वो प्रॉपर अमाउंट में चीज़ें आती है जब हम बैलेंस डाइट फॉलो करते हैं। बैलेंस डाइट क्या होता है? बैलेंस डाइट होती है डाइट जो कंटेन करती है सारे के सारे न्यूट्रिशंस, रफेज, वाटर, ये सारी चीज़ों को एकदम प्रॉपर और इक्वल क्वान्टिटी में जब वो उसको कंटेन करके रखता है कि किस बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जब आप कोई चीज़ को कंज्यूम करते हो, ठीक है। वो एज पे भी डिपेंड करता है, एक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। अब कोई इंसान है वो स्पोर्ट्स खेलता है तो हो सकता है कि उसे दूसरे जो इतना स्पोर्ट्स नहीं खेलता है उससे ज़्यादा रफेज और भी चीज़ों की ज़रूरत हो, ठीक है। तो एज, ठीक है, एक्टिविटीज़, जेंडर, हेल्थ, इन सब पे डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन पे कि उसको कितनी क्या चीज़ चाहिए होती है अपनी बैलेंस डाइट में, ठीक है। अब देखो ये जो अब हमने ये तो पढ़ा कि भाई बैलेंस डाइट क्या होती है, पर अब हम पढ़ेंगे कि एक जो बैलेंस डाइट है वो क्या क्या कंटेन करके रखती है। देखो बैलेंस डाइट वो होती है जो हमें एक इनफ एनर्जी दे, ठीक है, फैट के फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, कि हमें प्रॉपर एनर्जी मिल रही है, हमें एनर्जी मिल रही है जिससे हम जो वर्क करते हैं वो हम प्रॉपरली कर सकें, नींद ना आए बीच बीच में, ठीक। और एक लॉट ऑफ प्रोटीन देता है जिससे अगर कोई आप फूड कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, और आप अपने नॉर्मल जो आप डाइट खाते हो वो खा रहे हो बट कोई चोट लग रही है, कोई आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहे हो, ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा है कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। और इम्यूनिटी कैसे स्ट्रांग होती है? जब आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी डाइट आप ले रहे हो वो आपके लिए प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो आपकी बैलेंस डाइट नहीं है और उससे आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो आपको डाइट चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसी डाइट लेनी चाहिए जो जिसमें बहुत प्रोटीन हो और जो आपके ग्रोथ और रिपेयर के लिए हेल्प करे, ठीक है। उसके बाद है अप्रोप्रिएटली मतलब एकदम अमाउंट में उसमें मिनरल्स और विटामिन और मिनरल्स होने चाहिए। नेक्स्ट इनफ वाटर होना चाहिए और रफेज होना चाहिए जिससे जो खाना है वो डाइजेस्ट हो सके, रोज़ आपका जो लाइक आपका डाइजेशन है वो प्रॉपरली हो और आपका वेस्ट जो है बॉडी से निकले, ठीक। नेक्स्ट यह है कि बिसाइड ऑफ ईटिंग वेल अ बैलेंस डाइट हमें एक्सरसाइजेस भी करते रहना चाहिए, मतलब कि सिर्फ खा रहे हैं हमें उसको एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे जो है हमें एक प्रॉपर टाइप्स ऑफ रेस्ट लेना चाहिए, स्लीप लेनी चाहिए, एक्सरसाइजेस लेनी चाहिए जिससे जो हमारी बॉडी है और माइंड है दोनों के दोनों हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं एक्सरसाइज। तो देखो एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली और प्रॉपरली एक्सरसाइज करने से हमारी जो बॉडी है वो फिट रहती है, स्ट्रांग रहती है और हेल्दी रहती है, ठीक। तो यहाँ पे हमें कैसी एक्सरसाइजेस रोज़ करनी चाहिए, जैसे कि आपको वॉक कर लो, जॉग कर लो, कोई ये नहीं कह रहा कि रोज़ जिम जाना है, आप वॉक कर सकते हो, जॉग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, योगा, स्विमिंग, तो ऐसी बहुत सारी फिजिकल एक्सरसाइजेज हैं जो आपकी हार्ट बीट है उसको प्रॉपरली फास्टली बीट करने में हेल्प करेगा, ठीक है। जो ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी में अच्छे से सर्कुलेट होगा, लंग्स जो हैं वो अच्छे से पंप करेंगे, तो मतलब बेसिकली आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपरली फिट रहेगी। नेक्स्ट यहाँ पे है कि रेस्ट और स्लीप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग सोचते हैं कि सोना क्या है, सोते ही रहेंगे या फिर अभी हम ना सोकर भी ये काम कर लेते हैं और बाद में हम सो जाएंगे। हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं देन आर स्लीपिंग साइकिल, ठीक है, स्लीप साइकिल को हम ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं कभी कभी, बट दैट इज़ नॉट गुड, क्योंकि जब हम बहुत हार्डवर्क करते हैं हम सबको रेस्ट की ज़रूरत होती है, वी नीड टू रिलैक्स, ठीक है। क्योंकि जैसे अगर आप सोच रहे हो कि हम बैठ के काम कर रहे हैं पर हमारी बॉडी नहीं थक रही, बट हमारा जो माइंड है वो थक रहा है, उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं? बाय टेकिंग रेस्ट एंड स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है डिसीजेज। तो देखो एक जो डिसीज़ होती है ना, और जो देखो कोई डिसीज़ क्या होती है, जब कोई बॉडी पार्ट है जो बॉडी का पार्ट है जो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है या फिर कोई हेल्दी कंडीशन में नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई हो, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, ठीक है, न्यूट्रिशन की कमी हो गई हो, या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि कोई जर्म्स आ गया, इंसेक्ट आ गया, तो वो उसने डिसीज़ कर दी, ठीक। तो ये डिसीजेज होते हैं, डिसीज़ के भी दो टाइप होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ और कम्युनिकेबल डिसीजेज। तो अब हम पढ़ेंगे इन डिसीजेज के बारे में। और तो सबसे पहले आती है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज। जब कोई बॉडी होती है, जब उसे प्रॉपरली कोई भी
अप्रोप्रिएट अमाउंट में न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, ठीक है, कोई विटामिन नहीं मिल रही है या कोई मिनरल नहीं मिल रहा है प्रॉपर वे में, या फिर प्रॉपर डाइट उसको नहीं मिल रही है, ठीक है, बैलेंस डाइट, तो कई बारी कोई चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। और जब कोई चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस डिसीज़ को क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी डिसीज़ बोलते हैं। ऐसी डिसीज़ जो होती है ये एक दूसरे को फैलती नहीं है, ये एक पर्सन में ही होती है। अगर उस पर्सन के पास कोई चीज़ की कमी है तो उसे वो डिसीज़ होगी, और दूसरे के पास अगर वो चीज़ की कमी नहीं है तो उसके पास दूसरे के पास वो चीज़ नहीं पहुँचेगी, ठीक है। तो जो भी डिसीज़ एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र नहीं होती है, जैसे कोविड था वो ट्रांसफ़र हो जाता था, वो कम्युनिकेबल डिसीज़ थी, तो वो कम्युनिकेबल हो गई, बट जो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है वो हो गई आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। अब कुछ ऐसी कम्युनिकेबल मतलब सॉरी नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस दी हुई है नीचे, इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहली डिसीज़ जो है हमारी है वो क्वाशिया कॉर, तो ये वाली जो होती है ये एब्सेंस, जब प्रोटीन की जो कमी होती है किसी बॉडी में या किसी फूड में और वो फूड कंज्यूम कर रहा है पेशेंट, ठीक है, मतलब बेसिकली क्या हुआ, प्रोटीन की कमी हो गई किसी बॉडी में, तो उसमें इम्प्रॉपर ग्रोथ शुरू हो जाती है, उसमें उसकी प्रॉपरली ग्रोथ नहीं होती है और स्वेलिंग हो जाती है लेग में, ठीक है। इस वाली डिसीज़ में क्या होता है कि जो स्वेलिंग शुरू हो जाती है लेग्स में होने लगेगी, स्टमक में, फेस में, तो ये जो होती है ना, और साथ ही में डिसकलरेशन ऑफ हेयर, मतलब कि जैसे अगर ब्लैक होनी है हेयर्स तो हल्का हल्का उसमें वाइट आने लगेगा, ग्रे आने लगेगा कलर, पैची स्किन हो जाएगी, तो ये जो कंडीशन होती है, ठीक है, ये होती है जब कोई भी चीज़ में प्रोटीन ना हो किसी फूड में, जब कोई बॉडी के पास प्रॉपरली प्रोटीन उसके पास नहीं सप्लाई हो रहा है तो। और प्रोटीन कैसे सप्लाई किया जा सकता है, ऐसे फूड्स खा के जो है हमारे उसमें प्रोटीन सप्लाई किया जा सकता है बॉडी में, जैसे कि सोयाबीन हो गया, पल्सेस हो गई, एग हो गया, मिल्क हो गया, तो और जर्मिनेटेड ग्रेन मतलब कि स्प्राउट्स वगैरह खाने से जो है हमारे अंदर से ये डिसीज़ क्योर करी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये जो होती है ये कॉज करी जाती है ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए। देखो विटामिन ए जो है ना उसका कनेक्शन होता है हमारी आइज से काफ़ी हद तक, जैसे कि अगर विटामिन ए की कमी हो जाती तो चश्मा लग जाता है, और ऐसे ही जो विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन इस बीमारी से सफ़र कर रहा होता है उससे डिम लाइट में मतलब अंधेरी वाली जो लाइट होती है कम लाइट में नहीं दिखाई देता है, ठीक है, समझ लो अंधेरे में नहीं दिखाई देता है, अंधेरा कब होता है नाइट में, तो इसलिए जब ये नाइट ब्लाइंडनेस होती है तो उसको डिम लाइट में कम लाइट में या फिर अंधेरे में शाम के टाइम पे समझ लो नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो विटामिन ए जो होता है ना आइज को हेल्दी रहने में हेल्प करता है, और ये कहाँ पे किस किस चीज़ों में हमारा मिलता है हमें विटामिन ए, स्पिनच में मिलता है, कैरेट में मिलता है, पपाया, मैंगो, ठीक है, बटर, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इन मिल्क में, तो इन सब में हमें मिलता है विटामिन ए, और ये नाइट ब्लाइंडनेस से फाइट करने में हेल्प करता है। तो ये जो नेक्स्ट डिसीज़ है इसमें ना क्या होता है, इसका नाम है बेरबेरी, तो ये जो डिसीज़ होती है ना ये कॉज होती है लैक टू विटामिन B1, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो इफ़ेक्ट आता है वो नर्व्स पे आता है और मसल्स पे आता है, मतलब कि क्या होता है जो बॉडी होती है ना पेशेंट की वो नंबनेस डेवलप कर लेती है हैंड्स और फीट में, मतलब कि क्या होता है ऐसी सी एकदम दुबलापन आ जाता है, मतलब कि बहुत कमज़ोरी आ जाती है बॉडी में, ठीक है। और ये कैसे इसका क्योर करा जा सकता है या फिर इसको थोड़ा इम्प्रूव कैसे करा जा सकता है हेल्थ में, तो प्रेजेंट ऑफ मिल्क और B1 देखो किस में मिलता है, अगर B1 खाओगे डेफिशिएंसी इस चीज़ की है, जिस चीज़ की डेफिशिएंसी होती है अगर वो ह्यूमन उस चीज़ को कंज्यूम करता है तो वो पर्सन उस चीज़ को कंज्यूम करता है तो उसकी जो जो मेडिकल कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है, ठीक है। तो मिल्क, ठीक है, मिल्क में मिलता है, मीट में मिलता है, सीरियल और ग्रीन वेजिटेबल्स में हमें B1 मिलता है, तो ये देख सकते हो कैसे इसको ये डेफिशिएंसी हुई है। नेक्स्ट डिसीज़ पे आते हैं, तो नेक्स्ट जो डिसीज़ है वो है स्कर्वी। ये जो डिसीज़ होती है कॉज होती है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ सी, ठीक है। जब विटामिन सी की जो डेफिशिएंसी होती है तो ये हो जाती है, और इसमें होता क्या है, बेसिकली स्पॉन्जी जो हमारे जो गम्स होते हैं मतलब मसूड़े होते हैं ये स्पॉन्जी से हो जाते हैं, ठीक है, सूज जाते हैं, सूजन आ जाती है, और साथ ही में ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। ये जो होती है ना अगर जो ये डाइट है पर्सन की अगर उसमें ऑरेंज हो, लेमन हो, आंवला हो, आंवला तो एक्चुअली वेरी बेनिफिशियल होता है, ठीक है, मतलब बेनिफिट के बहुत बेनिफिट्स देता है, और टमाटो हो गया, स्प्राउट हो गए, स्प्राउट ग्रेन्स हो गए, ये सारी जो
फूड है, ठीक है, ये जो अगर डाइट में हो तो इस डिसीज़ को प्रिवेंट करा जा सकता है, ठीक है, ये डिसीज़ से बचा जा सकता है। अगर ना हुआ हो तो भी ये एक ह्यूमन को कंज्यूम करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं रिकेट्स जो होती है, ये वाली जो डिसीज़ होती है ये होती है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। देखो विटामिन डी जो होता है अगर फूड में ना हो तो इस डिसीज़ से क्या होता है, जो बोन होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है, और आगे चल के वो बेंड भी हो सकती है, लेग के जो शेप होते हैं वो इस टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी देखो सनलाइट में भी मिलता है, बट कुछ फूड देख लेते हैं हम, एग हो गया, कैबेज हो गया, ठीक है, मशरूम हो गए, तो ये कुछ सोर्स है विटामिन डी के। और विटामिन डी तो मैंने बताया कि जैसे आपको उसमें भी मिलेगा सनलाइट में। नेक्स्ट यहाँ पे है कि कुछ जैसे अगर आपने देखा हो कि जो बोन और टीथ होते हैं उनकी जो डेवलपमेंट होती है वो मिल्क प्रोडक्ट से बहुत अच्छी होती है, तो मिल्क प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम से भी प्रिवेंट करा जा सकता है, इस डिसीज़ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, ठीक है। फिश जो होता है वो भी हमें सफिशेंट अमाउंट में फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है बॉडी को, और यहाँ पर बताया है जैसे सनलाइट वाली बात। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अनीमिया जो होती है, ये डिसीज़ होती है ड्यू टू द लैक ऑफ मिनरल। ये एक मिनरल के लैक से होती है जिस मिनरल का नाम है आयरन। ये अगर आयरन जो होता है ये ब्लड में ना हो तो इस डिसीज़ के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। ये जो डिसीज़ होती है इसमें क्या होता है कि जो ब्लड, देखो ये ब्लड डिसीज़ होती है टाइप ऑफ, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि वीकनेस हो जाती है, टायर्डनेस हो जाती है, पेल स्किन हो जाता है, मतलब कि खून की कमी हो जाती है, तो जो स्किन का कलर होता है वो पेल होने लगता है, ठीक है, डार्क सर्कल्स होने लगते हैं आइज़ के नीचे, और जो वाइट होते हैं जो नेल्स होते हैं उस पर वाइटनेस आने लगती है। ये जो डाइट होती है ना, अगर डाइट जो है कोई डाइट है वो आयरन में रिच है, ठीक है, तो ये जो डिसीज़ है इससे क्योर किया जा सकता है। बनाना, एप्पल हो गया, पोमग्रेनेट हो गया, और स्पिनिच हो गया, ब्रिंजल मीट, तो ऐसे बहुत सारी फूड्स हैं जिससे इस डिसीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं ग्लूटेन पे, तो ये जो डिसीज़ होती है ये कॉज होती है ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल आयोडीन, मतलब जिस भी बॉडी में आयोडीन कमी होती है उसमें ग्लूटेन होता है, ग्लूटेन की हमें कमी देखने को मिलती है, तो ये जो होता है ना यहाँ पे जो थ्रोट होता है इसमें स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है, और ये जो लीड, ये लीड करता है कहाँ पे, ग्लूटेन पे, मतलब कि एक जैसे गला होता है इधर फूल सा जाता है, आपको इमेज पे देखने को मिल रहा होगा, तो ऐसी होती है हमारी ग्लूटेन वाली हमारी जो डिसीज़। इसमें क्या होता है कि एक तो मैंने बताया है कि इससे हो ये उसमें होता क्या है कि जो आपका थ्रोट है वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, इसको प्रिवेंट किया जा सकता है आयोडीन खाकर। ये मिनरल जो है यहाँ पे आयोडीन वाला है, विटामिन नहीं है यहाँ पे, मिनरल है जो है आयोडीन। आयोडीन से ग्लूटेन, आयोडीन खाओगे तो ग्लूटेन के चांसेस नहीं होते हैं। और आयोडीन मिलता कहाँ पे है, आयोडीन जो एक तो या तो सॉल्ट में मिल जाएगा, और आपको जो ऑनियन होता है वो भी रिच सोर्स होता है ऑफ आयोडीन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है ओबेसिटी, तो ये जो होती है ना ये एक डेफिशिएंसी डिसीज़ नहीं कही जाएगी, ये कॉज होती है ड्यू टू दी ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग ज़्यादा खाने से ये जो डिसीज़ है ये होती है, और ज़्यादातर ऑयली या फ्राइड फूड खाने से ये होता है। अनहेल्दी फूड खाने से ये हमें ओबेसिटी देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो बॉडी होती है ना ये फिज़िकली ये जो है सफ़र करने लगता है जो पेशेंट है, ठीक है, इसके अगर आप बहुत सारी जो एक्सरसाइजेज है, ठीक है, और ये सारी जो चीज़ें हैं एक्सरसाइज हो गई और हेल्दी डाइट फॉलो करके ही आप ओबेसिटी को ओवरकम कर सकते हो, और आजकल तो मेनी चिल्ड्रन आर सफरिंग फॉर ओबेसिटी। नेक्स्ट यहाँ पे है कम्युनिकेबल डिसीजेज, तो ये जो कम्युनिकेबल डिसीज़ वाला पार्ट है ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और साथ ही में इसके साथ साथ हम कम्युनिकेबल डिसीजेस करेंगे और ट्राई करेंगे कि हम जो बैक एक्सरसाइजेस हैं उसे भी कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।